चलो, अ साइको माफिया, मैडली ऑब्सेस्ड विथ हीज मेड एंड फॉलो हिम का पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए। पिंग और वांगजी की मैरिज फिक्स होने के बाद अब दोनों ही डेट्स पर जाने लगे थे। दोनों बहुत ही अच्छे से अपना टाइम एक दूसरे के साथ बिताना स्टार्ट कर देते हैं। डेट्स पर वे डिनर और लंच करते, कई बार लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, एक दूसरे को किसेस करते थे, पर सेक्स और इंटीमेट नहीं होते थे। वांग जी ने अपनी साइकोनेस को धीरे धीरे करके अब किसी के सामने नहीं शो करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपनी साइको साइड अब किसी को भी नहीं दिखाता था। विंग और वांग जी अब एक दूसरे के बहुत करीब होने लगे थे। वे अक्सर एम्प्टी प्लेसेस पर एक दूसरे को डीप और पैशनेट किसेस करते रहते थे। एक दिन पूरा लैन और जियान फैमिली एक वीक के लिए आउट ऑफ टाउन किसी अर्जेंट वर्क से गई होती है। पूरे एक वीक तक लैन मेंशन में विंग वांगजी और उनके सर्वेंट्स और गार्ड ही बचे थे, जिन्हें वांगजी नाइट में छुट्टी दे देता था। इन 7 दिनों में वे दोनों एक साथ एक ही बेड में सोने लगे थे और एक दूसरे को गुड नाइट किसेस करते और एक दूसरे को हग करके सो जाते थे। नेक्स्ट दिन विंग को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है। उसकी होल बॉडी हीट मारने लगती है। तब भी वो वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके साथ ब्रेकफास्ट करता है। वांगजी को भी विंग की हेल्थ सही नहीं लग रही होती है। वो विंग से कहता है कि विंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हेल्थ ओके तो है ना? एनीथिंग इज ओके विंग। विंग कहता है, या लेंसा, आई एम ऑल्सो फाइन, डोंट वरी, ये शायद मॉर्निंग सिकनेस होगी। उसके बाद वे दोनों अपना अपना नाश्ता करते हैं। विंग वांगजी को गुड बाय हग करता है और उसको होम के गेट तक सी ऑफ करने आता है। देन वांगजी अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। विंग उसके बाद रूम में आ जाता है और वो बेड पर लेट जाता है। वह सारे मेड्स और सर्वेंट्स को उसे डिस्टर्ब करने से मना कर देता है। विंग की बॉडी धीरे धीरे शेक कर रही होती है। उसकी बॉडी पेन भी करने लगती है और वो दर्द के मारे मौन भी कर रहा होता है। वो जैसे तैसे करके अपना लंच करता है दोपहर में, जिसको वो सर्वेंट से कहकर बनवा देता है। वो जैसे तैसे करके अपना लंच करके अपने रूम में चला जाता है। विंग की इस हालात को देखकर सर्वेंट्स लैन वांगजी को सारा हाल बता देते हैं। वांगजी अपना सारा ऑफिस वर्क जल्दी से फिनिश करता है और लैन होम में जल्दी से चला जाता है। और होम में पहुंचकर वो विंग के रूम में चला जाता है। विंग की हालत बद से बदतर हो रही होती है। उसकी हीट ने उसका बुरा हाल कर रखा होता है। वांगजी ने सारे गार्ड्स और सर्वेंट्स को लैन होम से बहुत दूर भेज दिया होता है और वो फिर वांगजी के रूम में चला जाता है। विंग की मौन और उसकी ओमेगा सेंट पूरे रूम में, यहाँ तक कि पूरे लैन होम में फैल जाती है। वांगजी की भी बॉडी में धीरे धीरे हलचल होने लगती है। उसकी भी रट आने लगती है, पर वो अपनी रट को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर रहा होता है, पर वो नहीं कर पाता है। वो अब विंग की ओर बढ़ने लगता है। विंग भी उसको अपने पास बैडली बुला रहा होता है। वो उसका नाम भी लेता है। जैसे ही वांगजी विंग के पास पहुंचता है तो
पीन उसे अपनी ओर जोर से खींचता है तो वांगजी विंग के ऊपर गिर जाता है और वांगजी विंग को किस करने लगता है। विंग भी वांगजी के किस को रिस्पॉन्ड करता है। उन दोनों की किसेस डीप और पैशनेट और लस्टफुली और हंग्री और डर्टी टाइप की होने लगती है। अब विंग की ओमेगा सैंड के कारण वांगजी की रट भी बुरी तरह ट्रिगर हो जाती है। विंग अब धीरे धीरे वांगजी के लिप्स को छोड़ देता है और अब उसके होल फेस पर किसेस करने लगता है। उसके एयर्स पर भी लिक्स और बाइट करने लगता है। वांगजी विंग के इस टॉर्चर को सह नहीं पा रहा होता है, जिसके कारण वांगजी की भी रट पूरी तरह से आ जाती है। अब वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है। वे दोनों फिर से अपने किसेस को स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों की किस डीप और पैशनेट होती जाती है। वे दोनों 10 मिनट तक अपने किस करते रहते हैं। उसके बाद वांगजी विंग के लिप्स को छोड़ देता है और वांगजी अब विंग और अपने क्लोथ्स भी रिमूव करने लगता है। वांगजी विंग की नेक पर किसेस करता है, जॉ लाइन पर भी किसेस और बाइट्स करने लगता है। दोनों एक दूसरे के क्लोथ्स को बहुत बेरहमी से रूम में इधर उधर फेंक देते हैं। वांगजी अब विंग की होल बॉडी पर अपने हैंड्स सेडक्टली रब कर रहा होता है, उसकी होल बॉडी पर किसेस करने लगता है। अब वांगजी विंग की होल बॉडी पर बाइट्स और लिक्स करने लगता है। वांगजी ने विंग की होल बॉडी पर रेड बाइट्स के मार्क बना दिए होते हैं। अब वांगजी को स्वाइप कर देता है और विंग अब वांगजी के ऊपर आ जाता है। विंग वांगजी के ऊपर सेडक्टिवली बैठा होता है। वो फिर वांगजी को किस करने लगता है, उसके होल फेस पर किसेस करता है, लिक्स और बाइट्स और सकिंग करने लगता है। वो वांगजी के लोअर लिप्स पर भी बाइट करने लगता है। वांगजी के लोअर लिप्स से ब्लड निकलने लगता है, जिसे विंग लिक करने लगता है। विंग अब वांगजी के नेक और जॉ लाइन पर भी किसेस करने लगता है, बाइट्स और लिक्स भी और सक भी कर रहा होता है। विंग अब वांगजी के चेस्ट के निपल्स को भी सक और बाइट्स करने लगता है, जिसे वांगजी मौन करने लगता है। विंग वांगजी के टमी पर भी किसेस करने लगता है, जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है। अब वांगजी और ज़्यादा सह नहीं पा रहा होता है। वो विंग को अब पलट देता है। अब वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है। अब वांगजी विंग के लिप्स पर ब्रूटली किसेस लिक्स सक और बाइट्स कर रहा होता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है। विंग अपनी हीट में इस कदर पागल हो चुका था कि वो वांगजी को अपने और बहुत रफ तरीके से खींचने लगता है। वो वांगजी के नेक पर अपने हैंड्स रैप कर देता है और अपने लेग्स वांगजी के वेस्ट के अराउंड रैप कर देता है। अब वांगजी विंग की जॉ लाइन पर और नेक पर किसेस लिक्स बाइट्स और सक करने लगता है। दोनों एक दूसरे के पूरे दोनों अब पूरी तरह से नेकेड हो चुके होते हैं। तो वांगजी विंग की होल बॉडी पर अपने हैंड्स रब कर रहा होता है। वो विंग की ब्रेस्ट पर आ जाता है, उसके निपल्स पर पिंच कर रहा होता है, उसके निपल्स पर लिक सक और बाइट्स कर रहा होता है, किसेस कर रहा होता है, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है। वांगजी विंग के स्टोमच पर आ जाता है। वो वहाँ पर छोटी छोटी लिक्स और बेबी किसेस करने लगता है। अब वांगजी धीरे धीरे विंग के लोअर बॉडी पर जाने लगता है। वो विंग के
लेग्स थाइस और इनर थाइस पर किसेस करने लगता है। अब वांजी विंग की इनर थाइस और थाइस को भी हॉटली रब कर रहा होता है और बाइट्स कर रहा होता है। वांगजी ने विंग के लेग्स को ओपन कर दिया होता है। अब वांगजी विंग के प्राइवेट पार्ट की ओर बढ़ने लगता है और वो विंग के लोअर पार्ट को देखने लगता है, जिसे देखकर विंग शायद करने लगता है और अपने लेग्स को बंद करने की कोशिश करता है, पर वांगजी ने दोबारा से विंग के लेग्स को ओपन कर दिया है होता है और वांगजी विंग के लोअर पार्ट को रब करने लगता है। उसे वहाँ पर किसेस, लिक्स और सकिंग कर रहा होता है, जिससे विंग को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा होता है। वो अब वांगजी से सेक्स करने की डिमांड करने लगता है। वांगजी और विंग अब सेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी ने विंग के हैंड्स अपने नेक के अराउंड और विंग के लेग्स अपनी वेस्ट का राउंड रैप करवा दिए थे। वो अब धीरे धीरे विंग के लोअर पार्ट से अपने लोअर पार्ट अटैच कर देता है और उसके अंदर एंटर करने लगता है और वांगजी विंग की बैली के पूरे अंदर अपने प्राइवेट पार्ट को एंटर कर देता है और अपने प्राइवेट पार्ट को पहले जेंटली मूव करने लगता है। वे दोनों अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट राउंड के कारण विंग को स्टार्टिंग में बहुत पेन होता है, जिसके कारण विंग के आंसू निकलने लगते हैं। वांगजी विंग के आंसू को वाइप करता है और बीच बीच में वांगजी विंग को किस करता है, जिसके कारण विंग को पेन फील ना हो। ये पेन केवल 2 से 3 मिनट का होता है, उसके बाद विंग को हाई लेवल का प्लेजर फील होता है। विंग पहले तो पेन में मौन कर रहा था, पर बाद में विंग प्लेजर के कारण मौन कर रहा होता है। अब विंग वांगजी को और ब्रूटली और पैशनेट किस करने लगता है। वांगजी भी विंग को किस करने लगता है और दूसरी तरफ वे विंग के साथ सेक्स करना कंटिन्यू रखता है। विंग अब वांगजी को जेंटल रहने को ना कहकर वाइल्ड होने को कहता है। वांगजी भी अब वाइल्ड होने लगता है और वो अपनी प्राइवेट पार्ट को और फास्टली मूव करने लगता है। वांगजी और विंग का फर्स्ट राउंड 1 आवर तक चलता है। उसके बाद दोनों फिर हाफ आवर तक का ब्रेक लेते हैं। विंग की पूरी आईज अब तक लस्ट में डूब चुकी होती है और वांगजी की भी आईज में अपने पार्टनर के लिए लव और लस्ट दोनों शो हो रहा होता है। वांगजी की भी पूरी बॉडी स्वेट से कवर होती है और विंग की भी पूरी बॉडी स्वेट से कवर हो जाती है। वांगजी विंग के साथ सेक्स फिर से स्टार्ट कर देता है, पर वे पोजीशन चेंज कर देते हैं। दोनों वो विंग को पलट देता है। अब विंग की बैक ऊपर की ओर होती है और उसकी बैली बेड की ओर होती है। वांगजी फिर विंग के ऊपर आ जाता है और वो सेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही वांगजी और विंग सेक्स के कई पोजेस चेंज करते हैं। कभी वो सोफे पर सेक्स करते हैं, कभी वो टेबल, कभी कैसे तरीके से वे दोनों सेक्स करते हैं। वांगजी ने अपना सारा लिक्विड विंग की ही बॉडी के अंदर ही रिलीज किया था। उन्होंने किसी भी तरह का कोई प्रिकॉशन यूज नहीं किया होता है। वे होल नाइट तक सेक्स करते हैं। विंग अब पूरी तरह से थक चुका था। वो अब वांगजी से रुकने को कहता है। वांगजी अपना लोअर पार्ट अब धीरे धीरे करके विंग की बैली से जेंटली निकाल देता है और वो विंग को लेकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वे दोनों हाफ आवर तक अच्छे से शावर लेते हैं। देन वांगजी विंग को अपनी गोद में उठाकर रूम के अंदर लेकर आ जाता है और विंग को सोफे में जेंटली बिठा देता है और वांगजी रूम का सारा मैस क्लीन
करने लगता है और अपने और विंग के क्लोथ्स भी अच्छे से फोल्ड करके अलमीरा में रख देता है और वांगजी बेडशीट को भी चेंज करता है और डर्टी हुई बेडशीट को वॉश करके बालकनी में सुखा देता है। फिर वांगजी रूम में वापस आ जाता है और विंग को सोफे से उठाकर बेड पर लेटा देता है और विंग से कहता है कि विंग अपनी लेग्स को ओपन करो। विंग वांगजी से कहता है कि मैं अब सेक्स नहीं करना चाहता, पर वांगजी हंस कर कहता है कि मैं सेक्स करने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे वाउंड्स पर मेडिसिन लगाना चाहता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। वांगजी की बात सुनकर विंग अपने लेग्स को ओपन कर देता है। वांगजी विंग के वाउंड्स पर मेडिसिन लगाता है, देन विंग अपने लेग्स क्लोज कर देता है। वांगजी अब बाथरूम में आकर अपने हैंड वॉश करता है और रूम के अंदर आ जाता है और विंग के साथ साइड में लेट जाता है। वांगजी ने विंग को अपने चेस्ट से लगाकर उस अपना एक हैंड विंग की वेस्ट के अराउंड और एक हैंड विंग के नेक के अराउंड रैप कर लिया था और वे दोनों सो जाते हैं। मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए। सॉरी गाइस, मैं इससे ज़्यादा सेक्सुअल पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो सॉरी गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल फंक्शन माय वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देना। अगर गाइस आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल फंक्शन माय वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। एंड गुड नाइट एंड हैप्पी मदर्स डे।